आज हम टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। किसी भी जब अननोन प्लांट्स को, नए पौधे को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुराना लिटरेचर देखना पड़ता है कि कौन सा कहाँ पर इसके बारे में कुछ दिया है या नहीं दिया है, इससे संबंधित कौन से पौधे हैं। फिर उसके बाद में उसके हर्बेरियम शीट को भी हम कंपेयर करते हैं दूसरी शीट से। तो अलग अलग प्रकार का लिटरेचर अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप उस पौधे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट हमने दे रखी है जिसमें 12 तरह का लिटरेचर है जो कि जिसको कि आप देख सकते हैं। लिस्ट में नहीं बता रही, मैं सीधा पहले उस पर आ रही हूँ। सबसे पहला जो है वो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या सारांश। सारांश में जो विश्व में जितने भी जर्नल्स छपते हैं बहुत सारे जो इनके अप्रोच में होते हैं, उन जर्नल्स में जो रिसर्च पब्लिकेशन छपते हैं उनका शॉर्ट में जो समरी दी होती है उसके टॉप के ऊपर, वो समरी को उसमें लिस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसको फिर इंडेक्सिंग उसकी कर देते हैं ताकि आप सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप उसको देख सकें। इसमें फ़ायदा ये रहता है क्योंकि अगर आप मान लीजिए 1000 जर्नल हैं जो आपके विषय से संबंधित हो सकते हैं तो आप उन 1000 जर्नल को अलग अलग जगह पर नहीं देख सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, और हर एक में आपका लिटरेचर भी नहीं होता। तो इन एब्स्ट्रैक्ट्स में से आप उनको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका छपा है मटेरियल, और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के आपको आइडिया भी लग जाता है उसका जो सारांश दिया होता है कि आपके मतलब की चीज़ है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में उसको देखना चाहिए तो आप उस जर्नल को देख करके वहाँ से उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल है क्यू रिकॉर्ड ऑफ टैक्सोनॉमिक लिटरेचर इन प्लांट साइंस बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, ये दो अलग अलग हैं। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में बायोलॉजी से संबंधित जितने भी जर्नल्स काफ़ी सारे होते हैं उनकी जर्नल्स की लिस्ट भी होती है कि इन इनको इसको स्क्रीन किया गया है और उनका एब्स्ट्रैक्ट वहाँ पर होते हैं। दूसरा है इंडेक्सेस, वर्ग की सूची पत्र। इसमें प्लांट्स को अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकली रूप में अरेंज होते हैं वो A to Z करके, और उनका रेफरेंस और उसके जो भी उससे रिलेटेड लिटरेचर होता है, पब्लिकेशंस होता है, उनके बारे में बताया जाता है। पौधे का नाम, उसका बोटानिकल नेम क्या है, और उसकी समरी, जो जो जर्नल जो जो भी पेपर उससे संबंधित पब्लिश हुए हैं उस पौधे से, उसकी समरी भी वहाँ पर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यू बुलेटिन है कैटलॉग ऑफ रॉयल बोटानिकल गार्डन लंदन, इसमें इंफॉर्मेशन 1898 से 1915 तक का इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है। इसी तरह से एक है इंडेक्स क्यूएंसिस, ये हुकर जब वहाँ पर रॉयल बोटानिकल क्यू बोटानिकल गार्डन में डायरेक्टर थे वहाँ पर, तब उन्होंने इसको इनिशिएट किया था, उसके बाद से रेगुलरली ये छप रहा है। लगभग 375,000 प्लांट्स इसमें लिस्टेड हैं जिनकी जेनेरा, स्पीशीज, ऑथर्स, कौन इनके ऑथेंटिक ऑथर्स हैं जिन्होंने इसके नाम को छापा है, कहाँ से छपा है, और ओरिजिनली वो पौधा कहाँ को बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा उनका कोई अगर सिनोनेम है तो वो भी उसके अंदर बताया गया है, शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन भी है। और अब करीब करीब इसको प्रणाली को पहले 5 साल में इसका छापते थे, अब लगभग हर साल इसका पब्लिकेशन क्यू इंडेक्स का छपता है। तीसरा है डिक्शनरीज। डिक्शनरी आप सब लोग जानते हैं, डिक्शनरी सबने मेरे ख्याल से कभी ना कभी डिक्शनरी रेफ़र भी किया होगा। अंग्रेज़ी का कोई शब्द आ गया तो आप उसको देखते हैं, उसका हिंदी में मीनिंग ढूंढते हैं, और अगर आप दूसरी कोई विदेशी भाषा देख रहे हैं तो उसमें भी आपको आप वाइस वर्सा करके अपना शब्द देख सकते हैं। तो डिक्शनरी में क्या होता है, जितने भी मैंने आपको बताया था जब टैक्सोनॉमी में प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन हम देते हैं तो कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है, लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी जो भी इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी हैं, जो टेक्निकल शब्द हैं, जैसे पुंकेसर है तो एक संघी, अब अगर किसी को एक संघी का मतलब नहीं मालूम है या मोनोडाल्फस का मतलब नहीं मालूम है तो उसको कितना भी देख ले, मोनोडाल्फस 10 बार रट ले तभी भी उसको समझ में नहीं आएगा कि इसका इस ये किसके लिए रेफ़र होगा, आप किसको मोनोडाल्फस बोल सकते हो। तो ये डिक्शनरीज़ में वो सारे शब्द होते हैं, उनका मीनिंग भी दिया होता है। ठीक है, और तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अधिकांश जो फ्लोरा होते हैं, अधिकांश जो अच्छी किताबें होती हैं, इवन मोनोग्राफ्स होते हैं, उनमें भी पीछे डिक्शनरी दी होती है टर्मिनोलॉजी जो जो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है डिक्शनरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फॉन्ट्स ग्लॉसरी ऑफ बोटानिकल टर्म्स लंदन 1928 से छपा है लैटिन भाषा में। ठीक है, इसके बाद में आता है रेगुलेशंस। आपको बताया था नॉमनक्लेचर के नियम हैं, ICBN के आधार पर, ICBN ने जो नियम दिए हैं उसके हिसाब से हम नाम रखते हैं पौधों का। उसके बाद में रेगुलर मीटिंग्स होती हैं इनकी, प्रॉब्ली हर 5 साल में शायद। तो उस जो भी कुछ नया चेंज होता है
वो सब वो रेगुलेशंस में आते हैं। तो इनको छापा जाता है ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो और उनको देख करके वो उनके नियमों की पालन करते हुए उसका नाम रख सकें। तो ये भी रेगुलरली जब भी अप्रूव हो जाते हैं तो इनको छाप दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स छपा था रेगनन में, वेजिटेबल वॉल्यूम 22 यूट्रेट से, ठीक है, और अभी भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जनरली लिस्ट ऑफ बुक्स और ऑथर्स होती है, आर्टिकल्स होते हैं जो कि उस पौधे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें पब्लिकेशन डेट होती है, आर्टिकल होता है, आर्टिकल मीन्स जो रिसर्च पेपर छपा है उसका टाइटल होता है, किस ऑथर ने छापा है उसका नाम होता है, ठीक है। इस तरह से उस कैटलॉग में पूरी ये लिस्टिंग होती है। अगर आपको लगता है कि ये आपको रिलेटेड लग रहा है, आपको कहीं संबंधित लग रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर आर्टिकल को, उस पर्टिकुलर किताब को निकाल करके फिर देख सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट में होता है। एक एग्जांपल है कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री पार्ट 5, ये सप्लीमेंट है, ठीक है। इसी तरह से रिव्यू मैगजीन्स होती हैं। रिव्यू मैगजीन में क्या होता है, रिव्यू मतलब देखना फिर से। तो कुछ जो नया लिटरेचर अलग अलग जगह पे छपता है उनके रिव्यूज़ लिखे जाते हैं, नई बुक्स होती हैं उनके रिव्यूज़ लिखे जाते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जितनी भी पब्लिकेशंस होते हैं उनकी लिस्ट बना दी जाती है इसके अंदर, या ब्रीफ में समराइज़ करके एक आर्टिकल सा लिखा जाता है समरी में, जिसमें कि वो रिव्यू मैगजीन में। तो आप जैसे पिछले 20 साल का भर का किसी ने दे दिया, तो मेनली इम्पॉर्टेंट जो काम है उसमें 20 साल का वो लगभग उसमें आ जाता है। तो आपको उन 20 साल के लिए इंडिविजुअल कोई पेपर्स देखने की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, आपको इस रिव्यू से ही काम चलता है। और अगर किसी को डिटेल में देखना है तो आप इसमें रिव्यू में पीछे जो उनका रेफरेंस दिए होते हैं उसमें से देख करके उस पर्टिकुलर पेपर को देख सकते हैं। तो एक इस तरह का एक जो है वो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स है, वैसे इसको एब्स्ट्रैक्ट में भी गिना जा सकता है, बाल्टीमोर से छपता है ये। इसमें बोटानिकल आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट लिस्टेड होते हैं, तो जितने भी बॉटनी से संबंधित हैं उसमें टैक्सोनॉमी से रिलेटेड भी होते हैं, बाकी विषय जो होते हैं बॉटनी के संबंधित, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, उनके से भी रिलेटेड होते हैं, वो सब उसमें छपते हैं। तो आपको जो संबंधित लगता है उसको आप देख सकते हैं। डायरेक्ट जर्नल्स और पीरियोडिकल्स भी आप देख सकते हैं, इसमें सीधे सीधे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं रिसर्च मैगजीन्स में, ये रेगुलर इंटरवल पर छपती है और स्पेसिफिक कोई इंस्टीट्यूट होता है वो उनको छापता है। टर्म जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, हो सकता है कोई हर महीने में छपे, कोई 3 महीने में छप सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली छपते हैं 6 महीने के अंदर, कुछ ईयरली होते हैं, ठीक है। तो ये अपना अपना मैगजीन का, इनका जो भी संस्था होती है जो इसे छापती है, उनके डिसाइडेड होता है ये कि किस तरह से वो इसको छापेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्नल ऑफ आर्नोल्ड आर्बोरेटम है, टैक्सोन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इसको छापती है बर्लिन से। इसी तरह से ट्रॉपिकल इकोलॉजी बुलेटिन है, इंडिया से छपता है। तो ये जर्नल्स हैं जिसमें कि रेगुलर इंटरवल पर पब्लिकेशंस छापे जाते हैं, पेपर्स छापे जाते हैं। देन आता है मैनुअल। मैनुअल में किसी भी जो भी एक टैक्सोन होता है, प्लांट्स होते हैं, उनकी डिटेल स्टडी होती है। उसमें उनकी पहचान के लिए जो कुंजी बनाई जाती है, की बनाई जाती है, वो भी दी गई होती है। मॉर्फोलॉजी और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बारे में भी बताया जाता है, उनका शब्द भी बताया जाता है। तो एक तरह से ही आपको एक टेक्निकल, जैसे प्रैक्टिकल की आपकी बुक होती है, इस तरह से एक प्रैक्टिकल बुक है जिसमें कि आप उस टैक्सोन से संबंधित जानकारी भी होती है और आप उसको कैसे देखेंगे, पहचानेंगे कैसे, टर्मिनोलॉजी अगर समझ नहीं आती तो टर्मिनोलॉजी भी होती है। तो इस मैनुअल से आप आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैनुअल ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स है, बेले का छपा हुआ 1949 का। देन आता है मोनोग्राफ। मोनो मीन्स एक, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, जो कोई भी एक जीनस है, जीनस हो सकती है या एक टैक्सॉन कहना चाहिए, उसके ऊपर पूरी जानकारी होती है, जीनस के स्पीशीज़ के बारे में, उसका कीज़ के बारे में, उसके डिफरेंट फोटोग्राफ्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के भी कंपैरिजन भी होगा, पूरा डिटेल में एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा उसकी हिस्ट्री, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्रोमोसोम नंबर्स, उसका फिजियोलॉजी, उसका एनाटॉमी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी डिफरेंट स्पीशीज की, मतलब जितना भी एस्पेक्ट्स आप एक तरह से जो सोच सकते हैं उस टैक्सॉन के बारे में, वो सारा उस मोनोग्राफ में दिया गया होगा। तो एवरी नॉलेज
जो भी है उससे रिलेटेड वो उसमें दी गई होगी। फॉर एग्जांपल जीनस आइरिस, उसके ऊपर तो अब इस जीनस से रिलेटेड सारी जानकारी होगी इसमें, गुणसूत्र नंबर संख्या ये वो मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी एनाटॉमी। इसी तरह से ग्रामिनी का भी है एक मोनोग्राफ, तो ग्रामिनी के डिटेल में इसके बारे में सब इसमें दिया गया होगा। देन आता है रिविजन। रिविजन्स में जो नई इन्फॉर्मेशन डिवाइस की गई होती है नया कोई प्लान डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो होता है वो सब इसमें आता है। ये कंपैरेटिवली मोनोग्राफ से इसमें कम इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आता है कॉन्स्पेक्टस। कॉन्स्पेक्टस में रिविजन से भी शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें सिनोनिम्स दिए होते हैं, टैक्सोन के डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। देन आता है सिनॉप्सिस, कीज के फॉर्म में होता है, बहुत शॉर्ट में होता है और लिमिटेड टैक्सोन्स का डिस्क्रिप्शन भी इसमें दिया गया होता है, तो एक बहुत शॉर्ट लिटरेचर फॉर्म है। इसके बाद में आता है फ्लोरा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फ्लोरा जो है किसी भी जगह का हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, आप चाहें तो अपने कॉलेज का फ्लोरा भी बना सकते हैं। तो इसमें फ्लोरा में किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का जो भी वहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं उनका लिस्ट होता है और उनका डिस्क्रिप्शन भी होता है, और उस प्लांट उन प्लांट्स को कहाँ तक पहुँचेंगे। तो जनरली जो अच्छे फ्लोरा होते हैं उनमें उनकी कीज भी दी होती हैं कि कुंजी के माध्यम से आप पहुँचे, अदरवाइज़ तो एक एक को पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से तो ये लोकल फ्लोरा हो सकते हैं, रीजनल फ्लोरा हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल फ्लोरा हो सकते हैं और पूरा वर्ल्ड का कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा भी हो सकता है। लोकल फ्लोरा मीन्स आप किसी जैसे आपका अपना कैंपस का बना सकते हैं, विलेज का हो सकता है, सिटी का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, ठीक है। तो जैसे संतापो ने दिया था फ्लोरा ऑफ सौराष्ट्र राजकोट, ठीक है, तो वहाँ पे राजकोट और सौराष्ट्र का एरिया जो है उस जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया था उसके पूरे जो भी प्लांट्स वहाँ ग्रो कर रहे होते हैं उनके बारे में। जनरली फ्लोरा में वाइल्ड प्लांट्स के बारे में, जो जंगली पौधे होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, कल्टिवेटेड प्लांट्स के बारे में नहीं होती। रीजनल फ्लोरा में थोड़ा बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया लिया जाता है, जैसे कि राजस्थान स्टेट या इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में राजस्थान के अलावा थोड़ा सा कच्छ का रीजन भी इसमें शामिल हो सकता है। MM भंडारी ने लिखा है ये साइंटिफिक पब्लिकेशन और ये करीब मेरे ख्याल से 3 या 4 वॉल्यूम्स है। इसी तरह से लखनऊ से इंडियन जो अपना बोटानिकल सोसाइटी है उसकी तरफ से भी एक फ्लोरा पब्लिश है जो 4-5 वॉल्यूम्स में है। कॉन्टिनेंटल फ्लोरा जो होते हैं महाद्वीप के पूरा जो एक महाद्वीप है उसका जो फ्लो प्लांट्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है, तो ये कई वॉल्यूम्स में भी होते हैं। जैसे फ्लोरा ऑस्ट्रेलियंसिस लिखा गया है, बेंथम ने लिखा था 1863 टू 1878 में। देन वर्ल्ड कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा बड़ा मुश्किल है, बहुत पहले जेनेरा प्लांटरम में बेंथम एंड हुकर ने इसका कॉम्प्रिहेंसिव दिया था। अभी जनरली जो हम देखते हैं ज़्यादातर हमारे लिए यूज़फुल क्या होता है, जो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का अगर हम फ्लोरा देखना चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखना चाहें तो फ्लोरा ऑफ राजस्थान देख सकते हैं या फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट देख सकते हैं, ठीक है। सो ये टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में है जिनको देखकर के आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेल में नया प्लांट को डिस्क्राइब कर सकते हैं।